तो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे वाई ग्रुप स्पेशल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो और ये भी बात करूँगा कि इंग्लिश के लिए वह कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वह कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे हम 15+ में मार्क या बी आउट ऑफ 20/20, ठीक है, ये ला सकते हैं। तो इस पे तो मैं बाद में ही चर्चा करूँगा, लेकिन अभी पहले मैं इंग्लिश के लिए उस बात पे चर्चा करूँगी कि हमारा पहले पासिंग मार्क हो जाए। ठीक है, जरूरी ये है कि पहले आप पासिंग मार्क पाओ, तब उसके बाद तुम जो है 20 आउट ऑफ 20 या 15+ लाओ। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार 17.5 लास्ट बार जब पहली बार दिया, अब की बार 18.75 लाए। ठीक है, तो मैं लगभग में ला चुका हूँ, तो मैं यही बता सकता हूँ। ठीक है, जो बंदे अच्छे मार्क्स लाए हैं वही बता सकते हैं कैसे क्या है। ठीक है, मेरा स्पेलिंग ये वाला गलत हुआ, नहीं तो 20 आउट ऑफ 20 हो जाता। ठीक है, तो ठीक है, हम वीडियो को बिना लंबा किए आगे चर्चा करते हैं। आप लोग स्ट्रेटजी देख के जाइए। ठीक है, सिलेबस पे आज चर्चा करेंगे, बाकी चीज़ों पे बाद में। तो हम पहले बात करते हैं, देखिए मैं अभी ये एक बार ऑफिशियल चैप्टर बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं वो चैप्टर बताऊंगा जहाँ से फिक्स होते हैं। ठीक है, 90-95% फिक्स होते हैं, एक दो टॉपिक बदल सकते हैं। ठीक है, तो उसको बताऊंगा, तो आप लोग पहले जो मैं बता दूंगा बाद में वही वही तैयार कीजिएगा। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल जानना जरूरी है। ठीक है भाई, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले जान लो उसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सब पहले जान लो कैसे क्या होता, तभी उसकी तैयारी में घुसी है। ठीक है, तो आप जो है पहले आज सिलेबस जान लेते हैं, फिर अलग अलग स्ट्रेटजी मैं लाऊंगा। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, चैनल को सपोर्ट करो। मैं 2 महीने की बात है, मैं ट्रेनिंग जाऊंगा, और बेसिक ट्रेनिंग के बाद अगर मौका मिलेगा तो हम आप लोग को अच्छे से गाइड भी करूंगा। ठीक है, बेसिक 6 महीने बाद मोबाइल मिलेगा, तो मैं अगर सब्सक्राइब रहेंगे तो मैं लाइव आ सकता हूँ। ठीक है, इवन केस पहले सब्सक्राइब लाइव नहीं आ सकता। तो बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी मैं बताऊँगा। नंबर से यहाँ से क्वेश्चन, फिर इसे ये दे दिया 2, 5, 8, तो इसमें क्या ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, अब अगला 11 आएगा, ये हो गया नंबर से, डायरेक्शन होगा ये पता ही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है यहाँ से एग्जाम में फंसा हुआ था, जो है क्या प्लस माइनस को प्लस बोला जाता, समीकरण दे देता, तब तो और समस्या होती। ठीक है, इसका भी लॉजिक बताऊंगा, बहुत बेस्ट टेक्निक बताऊंगा कि आप जो देखते ही, मतलब लगभग में देखते ही नहीं लगा पाएंगे, मतलब देखते ही लगभग 20 से 25 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ, मन में ही कैलकुलेशन। ठीक है, असाइनमेंट ये पहलू, ये नहीं, रैंकिंग सब का क्वेश्चन फिक्स है, 4 नंबर रैंकिंग का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ह्यूमन रिलेशन फिक्स है, कोडिंग रिकॉर्डिंग फिक्स है, आउट मैन आउट फिक्स है, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम रे केस में यंगेस्ट ये आता है, टालेस्ट डिक्शनरी वर्ड फिक्स है, एनोलॉजी फिक्स है, नॉन वर्बल रीजनिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 4 से 5 आता है, और जबकि कोई नहीं बताते हैं। यूट्यूब पे आप लोग पढ़ोगे तो यूट्यूब पे सब लोग पचरा गाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे हमने देखा है कई लोग एग्जैक्ट नहीं पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पाएंगे वो दर्पण वाले क्वेश्चन। ठीक है, दर्पण वाले क्वेश्चन, त्रिभुज गिनना, कितने त्रिभुज हैं, चतुर्भुज गिनना, ये सब ना आते ही नहीं है, जो दिए होंगे एग्जाम उनको पता है। ठीक है, नॉन वर्बल बैंकिंग लेवल आता है। ठीक है, जो कि IAS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक में मिलता है। आप लोग अगर नहीं है, बुक है तो हमारे ग्रुप में PDF है। ठीक है, एक डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें 1700+ हैं। ठीक है, और एक 360+ है चैनल पे, जिस पे इंग्लिश के पोल पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें फाइल्स में जा कर के आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक PDF एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन की डालूंगा, जहाँ से लगभग में क्वेश्चन मैच करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रीजनिंग का, आप लोग समझ गए। अभी लास्ट में बताऊंगा रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर एकदम बिल्कुल आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एकदम बनते हैं। ठीक है, तो हम मैथ पे बात करते हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसके साथ मिक्सर भी ऐड कर लो, मिक्सर मिसर ऐड कर लो, मिसर वाला चैप्टर ऐड कर लो, ये तीनों मिला के एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, देखिए रीजनिंग का मैं बात करूँ तो रीजनिंग में 13 से 15 क्वेश्चन आता था। ठीक है, उसका बताना भूल गया था, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आता है, तो एक एवरेज का फिक्स है, यहाँ से फिक्स है, LCM तो बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स है, प्रॉफिट लॉस फिक्स है, टाइम डिस्टेंस फिक्स है, परसेंटेज फिक्स है, तो आपका ये 6 फिक्स है। अब इसमें से एक आ गया एरिया वाला, ये 7 फिक्स है, और एक ये जो है
ट्रिग्नोमेट्री फिक्स है, आठ ये फिक्स है, बाकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में है, फ्रैक्शन है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर है, ये सब फिक्स है, मतलब फिक्स नहीं है, ये सिलेबस है, आप लोग तैयार कर सकते हो। तो 12 चैप्टर इसमें दिया है। प्रोबेबिलिटी देखिए, लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी जब आप एक्स वाई बोथ ग्रुप एग्जाम देंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन केवल एक्स वाले मिलता, वो भी जो कि वो उनका सिलेबस है, लेकिन वाई में जो है इसमें रागा में दिया है मैथमेटिक में, लेकिन जब आप एक्स वाई बोथ देंगे तो प्रोबेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो बेटर होगा एक्स वाई बोथ पर दे दिए, आराम से ठीक भी होता है, हाँ और जैसा भी चाहें। बाकी प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आता है, हमारे मित्र लोग वाई का ही स्पेशल देते थे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता था। ठीक है, बने ये वीडियो में, अभी बहुत अच्छा बताऊंगा क्या क्या मैथ में एकदम स्पेशल टॉपिक पढ़ने हैं। तो बात कर लेते हैं जीके का। देखिए जीके जीएस बहुत ब्रॉड नहीं पूछता है, कोई आईएएस एग्जाम नहीं है, एक डिफेंस का एग्जाम है, बहुत ही सतही नॉलेज पूछते हैं। जैसे पूछ लिया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, नदी ऊंचा सबसे ऊंचा पर्वत पठार ये झील कहाँ पे है, या ये वगैरह, हिस्ट्री में ये युद्ध कब हुआ था, इस वंश के संस्थापक कौन है। अभी आए तो जनरल साइंस में ज़्यादा करके बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, जैसे मतलब बायोलॉजी बेसिक वैसे ही सिंपल ही पूछते हैं, कभी कभार केमिस्ट्री से पूछ लेते हैं, कोई यौगिक का नाम जैसे दे दिया कि कोई भी दे दिया, NaOH का रासायनिक नाम क्या है, आएँ NaSCO3 का रासायनिक नाम क्या है, ये सब ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, वो उसका व्यापारिक नाम पूछ सकते हैं। बाकी जो जनरल साइंस में ज़्यादा कि विटामिन से क्वेश्चन आता है, विटामिन का रासायनिक नाम उनसे होने वाला रोग, जैसे देख ना कि किस कमी से जो है अभी बता देते हैं, बेई बे रोग होता, तो विटामिन बी होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं। रक्त का थक्का नहीं बनता है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और कंप्यूटर में ज़्यादा क्योंकि फुल फॉर्म से आता है, ये मतलब जैसे USB का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जानते हो, कमेंट करो, ऐसे ऐसे जो है फुल फॉर्म आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मतलब सतही नॉलेज होता है। मैंने 2 PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, अगर आप लोग चाहेंगे तो वहाँ से वो दोनों PDF से मेरी गारंटी है कि 7 से जब 8 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 5 आराम से कर पाओगे। 1-2 करंट का इधर उधर हो सकता है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप कवर कर लीजिएगा, लेकिन 5 नंबर की मैं गारंटी अपने उन दोनों PDF से करता हूँ। ठीक है, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा है। हम इंग्लिश का, तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में भी देखिए ये सिलेबस आप लोग देख लीजिए और अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं समझाएंगे, अभी मैं वही समझाऊंगा कि कैसे मैं 10 नंबर से ज़्यादा पासिंग मार्क पहली बात लाएं। ठीक है, बाद में अलग स्ट्रेटजी बताऊंगा, बाकी आप लोग सिलेबस देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। ठीक है, यहाँ ये सब जो दिया ना सब यहाँ से फिक्स हैं। अभी अगर मैं बात करूँ तो बोका बुलई में भी मैं, ठीक है, जब चर्चा कर ही देते हैं बोका बुलई की, बोका बुलई सबको बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो बोका बुलई मैं समझा रहा हूँ, बोका बुलई के लिए आपको डेली जो आज पढ़ो उसको 2-3 दिन लगातार रिविजन मारो। जैसे यहाँ एक फिक्स है, ये फिक्स है, 1 वर्ड फिक्स है, स्पेलिंग वाला फिक्स है, तो 4 ये फिक्स हो गया, एक यहाँ से ये फिक्स है। सिंपल EDM पेज कभी कभी आ जाता है, लेकिन कभी केस में अगर 18 शिफ्ट एग्जाम हुआ है तो उसमें से आप 3-4 शिफ्ट में भले पा सकते हो, बाकी नहीं पाओगे। हाँ, तो ये सिंपल, ये आप ना ही याद के बाकी चीज़ों को आप कवर बनाइए। ठीक है, तो मैं ये अब चलने चला हूँ कि मतलब वो कौन से टॉपिक को कौन से चैप्टर पढ़ें कि जिससे जो है जो फिक्स हैं, ठीक है, वहाँ से आप एग्ज़ाम करें। ठीक है, मैं वही बताने चल रहा हूँ। चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, भाई आप लोग जो देख रहे हो 5-5 सब्सक्राइब मेरे भाइयों करवा दो यार। ठीक है, तो बात हम पहले रीजनिंग से कहते हैं कि जहाँ से जो है फिक्स है, ये हमारा जो है चैट ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, इसमें बहुत से क्विजेज होते हैं, तो इसके अलावा जो हमारा चैनल है उस पर क्विज सब पर ही हैं, आप पर्सनली दे सकते हो, उस पर पोल पड़े हैं, 1500 से ज़्यादा पोल पड़े हैं इंग्लिश के, आप जैसे 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो 20 क्वेश्चन स्वाभाविक है बन जाएगा। ठीक है, तो वही पैटर्न है, आप वो हमारे चैनल को ज्वाइन करके क्विज दे के सिलेक्शन ले सकते हो, और इसमें भी डेली समय से 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक क्विज चलती है। तो बात करते हैं वो जहाँ से हमारे चैप्टर फिक्स हैं। ठीक है, ये हमारा जो है रेंजिंग में ब्लड रिलेशन फिक्स है, डिस्टेंस डायरेक्शन फिक्स है,
हाँ बैंड डायग्राम फिक्स है, रैंकिंग फिक्स है, कोडिंग डिकोडिंग फिट है। रैंकिंग वाला जो है ना सीमा का स्थान के क्लास में आगे 15वां स्थान चेंज कर लेते हैं, ये होता है तो कितने लोग हैं बीच में क्या है, और गोल मेज वाला आ जाता है ठीक है। नंबर सीरीज वर्ड फार्मेशन लुप्त पदों को भरना सादिशता, बाकी जो है ये 9 मार्क्स यहाँ से हो गए, और 4 नंबर नॉन वर्बल आता है ठीक है। तो रीजनिंग में जो एग्ज़ाम में आता है उस एग्ज़ाम में जो रीजनिंग का पूछता है वो आपका पूछता है 13 से 15 नंबर ठीक है। तो ये 9 4 13 तो हो गया, अभी 1 2 कभी दे दिया तो बात अलग ही है ठीक है। 13 से 15 ये हो गया, 7 से 8, 7 से 8 मैथ, 7 से 8 जीके ठीक है। तो ये पैटर्न है ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं मैथ में, मैथ में वो कौन से चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं ठीक है। तो ये 7 से 8 क्वेश्चन हैं ठीक है, जहाँ से एग्जाम में आते हैं, जैसे LCM SCF फिक्स हो गया, परसेंटेज फिक्स है, प्रॉफिट लॉस फिक्स है, एवरेज फिक्स है, हाँ और उसके बाद जो है एवरेज है, रेशियो और मिक्सर, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। एडवांस मैथ में, एडवांस मैथ का मतलब वो एरिया और यस क्वेश्चन ज़्यादा कहेंगे आयत के एरिया, या अगर पूछेगा तो वॉल्यूम वगैरह पूछेगा जो कि फार्मूला बेस पे होता है ठीक है। मतलब थोड़ा हल्का फुल्का घुमा सकता है जो कि आप निकाल सकते हो। टाइम डिस्टेंस से फिक्स है, टेक्नोमेट्री का वो भी सिंपल टेक्नोमेट्री का आता है, आराम से कर सकते हो। तो ये फिक्स है, देखिए ये चीज़ फिक्स है। अभी मैं एक चीज़ इंग्लिश पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए ज़िंदगी में जो चीज़ फिक्स है, जिसको आपने फिक्स कर लिया, जो चीज़ लिमिटेड है आप उसको आसानी से पा सकते हो ठीक है। हाँ और जो चीज़ फिक्स नहीं है, जो चीज़ फिक्स नहीं है आप उनको पा नहीं सकते हो, ये मेरा दावा है और मैं अभी समझा रहा हूँ। इसे अभी देखिए कि आपको रोड पे बोल दिया जाए कि रोड पे आप ऐसे दौड़िए, आप थक जाएंगे, आपको 5 किलोमीटर बोलना दे कि 5 किलोमीटर समाप्त करना है, तो आप आराम से 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद सोचोगे 4 किलोमीटर है, दौड़ोगे जब 3 किलोमीटर दौड़ोगे कहोगे 2 किलोमीटर बचा है, 4 किलोमीटर दौड़ोगे कहोगे 1 किलोमीटर बचा, आपका जोश आई होगा आप 5 किलोमीटर की रेस समाप्त हुए। तो जो चीज़ लिमिटेड है उसमें आप जोश के साथ काम किए, अभी बोल दिया जाए रेस आपको रोड पे दौड़ना, आप 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद थक जाओगे कहोगे भाई कितना दौड़ना है यार है। तो वही सेम है कि वाई ग्रुप का सिलेबस फिक्स है और लिमिटेड है, 10 चैप्टर मैथ तैयार करना है, 10 रीजनिंग तैयार करना है, GK GS सतही नॉलेज है और आराम से इंग्लिश में भी हैं कुछ चैप्टर हैं। अभी मैं इंग्लिश में वो बताऊंगा जहां से आप पासिंग मार्क ला सकते हो ठीक है। तो ये इंग्लिश का देखिए प्रोनाउन का फिक्स है, एडजेक्टिव के 1 क्वेश्चन फिक्स है, प्रीपोजिशन से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, कंजक्शन के 1 क्वेश्चन फिक्स है। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब 5 से 6 हो गए ठीक है, एक ये हो गया, एक्टिव पैसिव 1 हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 हो गया। तो ये 3 4 3 7 मतलब 7 या 8 क्वेश्चन फिक्स है, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ आपके फिक्स हो गए, 7 से 8 ये फिक्स हो गए। और उसके बाद जो है एक नाउन, जैसे नाउन दिया है उसका एडजेक्टिव क्या है, वर्ब फॉर्म क्या, जैसे डाई दे दिया तो एक का एडजेक्टिव डाइड हो जाएगा ठीक है। ऐसे ऐसे दे देगा कि एक ट्रिक आप लोग रख दिए कि ION लगाने से नाउन बनता है, ABEL लगाने से एडजेक्टिव बनता है। तो ये सब चीज़ें ट्रिक आप लोग रख, ये फिक्स है, कभी भी एक ऐसा नहीं कि यहाँ से एग्जाम नहीं आता, यहाँ से फिक्स है। 10 से 1 क्वेश्चन आ जाता है, कंडीशनल सेंट वो स्पॉटिंग टाइप हो जाता है, कंडीशनल सेंटेंस सेंटेंस या कहीं जो है 1 या 2 हो जाते हैं, या एक स्पोर्टिंग एयर टाइप होता है, एक हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए आ जाता है ठीक है। हाँ और ये 5 नंबर पैसेज के हैं, 4 से 5 आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आपका लगभग में अगर गिना जाए तो ये लगभग में आपका 14 से 15 नंबर हमने फिक्स बता दिया ठीक है। तो आप अगर कुछ भी कहेंगे तो इसमें से 12-13 तो सही कर लेंगे, जो चीज़ फिक्स है 1-2 गलत कर दोगे बाई मिस्टेक, बाकी चीज़ों को कवर करोगे तो आप 10 नंबर पासिंग मार्क पा गए ठीक है। तो यही था हमारा समझाने का मतलब कि जो चीज़ लिमिटेड है आप उसको पा सकते हो। ज़िंदगी में
आपका जो गोल डिसाइड कर लिए हो उसको आप पा सकते हो। जैसे आपने अभी गोल डिसाइड कर दिया कि हमको वाई ग्रुप में 35 के ऊपर लाना है तो ला सकते हो, आपके माइंड सेटिंग है। आप चाहते हो कि हमको अब सिलेक्शन लेना है तो आपने फिक्स कर लिया ना कि हमको सिलेक्शन लेना है, तो आपका फिक्स है सिलेक्शन लेना है, तो आपका एयर फोर्स में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एयर फोर्स में सिलेक्शन को मान लियो तो जो आप चीज़ फिक्स कर जो जो चीज़ लिमिट में एक कर जो कि हमको ये यहाँ पहुँचना है, ये चीज़ हमको लेना है, तो आप उसको पा सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही तो इसी पर हम समाप्त करते हैं। बाकी स्ट्रेटजी टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक पर अच्छे से बताएंगे कैसे फुल मार्क्स लाते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे, अभी ये तो बताया कि पासिंग मार्क कहाँ से आए, बाकी मैं बताऊंगा कैसे जो है 15+ लाएँ, कैसे 17.5 लाएँ, कैसे 18.7 मार्क्स लाएँ, कैसे 20 out of 20 लाएँ, ये चीज़ 15+ और 20 out of 20 कैसे लाएँ, इस पर स्ट्रेटजी बताऊँ। क्योंकि जो बच्चा मार्क्स लाया है वही बता सकता है। हमने 17.5 लाया है 2019 में जब हुआ था एग्ज़ाम, तब से पोस्टपोन हो गया, 2020 में होना था, नहीं हो पाया, लास्ट में हुआ, अब जाके हुआ नवंबर में 2020। ठीक है, तब इसमें 18.75 लाया और ईयर वाला गलत हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप लोग जो है कवर कर लीजिएगा, हमने सब चीज़ें बता दिया है। ठीक है, तो आज पे यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब करवाइए, आप लोग 5-5 हेल्प कीजिए, मैं सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।